औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व अफियत के साथ होंगे। आज आपको तस्खीर खलायक, तमाम लोगों को तस्खीर, हाकिम को तस्खीर, इज़्ज़त व रुतबे का एक तवीज़ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने एक अदद संदल की चौकोर लकड़ी लेनी है, ठीक है। इस पर किसी शय से आपने लिखना है हमहीत आइन मीम हा ये ते हमहीत अल सैयद अलिफ लाम सीन यादाल अलिफ नून जुआत रे नज़र अन नज़र, ये लिखना है। और आपने इस लकड़ी को इस तरह जलाना है कि इसकी राख ज़ाया ना हो। जब मुकम्मल लकड़ी जल जाए तो आपने ये जो नक्श आपकी स्क्रीन है पर लिखा हुआ है, इसको आपने ज़ाफ़रान से सफ़ेद कागज़ पर लिखना है और नीचे अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। नक्श के नीचे फ़लाँ बिनते फ़लाँ या फ़लाँ बिन फ़लाँ, अगर लड़का है तो फ़लाँ बिन फ़लाँ, लड़की है तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ। ये लिख कर इसे चांदी की अंगश्तरी के नीचे रखवा कर अपने सीधे हाथ की उंगली में पहनना है, ठीक है। और जो राख होगी उस राख को आपने सुरमे में डालकर, ठीक है, उसका एक सुरमा बना लेना। उस राख को सुरमे में थोड़ा सा सुरमा मिलाएं उस राख में और उसका सफूफ बनाकर उसका एक सुरमा बना लें। जहाँ कहीं भी यह जाएंगे आपकी इज़्ज़त व एहतराम देखने को मिलेगा और ख़ुसूसन तस्खीर खलायक होगी। तमाम लोग आप से मुत्तफ़िक होंगे, चाहे वो जो भी आप बात करें, जिस किसी से जो बात कही जाएगी वो इनकार नहीं करेगा। ये बहुत ही पावरफुल अमल है जो आपको अभी बताया है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये अमल आप दोपहर के वक्त कर सकते हैं। इसका बेहतर वक्त है असर की नमाज के बाद, आप इसको लिख लें। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। नाजायज़ मसले के लिए आप हमसे रब्ता कोशिश कीजिएगा कि ना करें, मुकम्मल तरीका बता दिया है। वीडियो को दोबारा देख लें अगर कोई चीज़ रह गई है, समझ नहीं आई, तवीज़ चाल के मुताबिक नहीं है उस तरह, आपने इस तवीज़ को मुकम्मल लिखना है, ठीक है। तो कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और भी बहन भाई से फ़ायदा उठा सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।